अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, हाउ यू ऑल डूइंग? आई एम होपिंग यू ऑल डूइंग वेल। आज रमदान का 22nd रोज़ा है और रमदान कैसे चले गया है ये पता भी नहीं चला। एंड आज जुमा भी है और मे बी इट्स द लास्ट जुमा ऑफ दिस रमदान और मे बी वील गेट अनदर जुमा बिकॉज डिपेंडिंग के पाकिस्तान के अंदर पूरी दुनिया से एक दिन बाद ही हमेशा ईद होती है। आई होप इस दफ़ा एक साथ हो जाए तो जुमा को होगी ईद, अदरवाइज सैटरडे को होगी ईद। सो व्हाटएवर हैपेंस हैपेंस। और उसके बाद आज मैं आपके साथ इंशाल्लाह दो रेसिपीज शेयर करूँगी, होपफुली आप लोगों को पसंद आएंगी। दे आर जस्ट इफ्तार रेसिपीज, आप इसको टी टाइम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। एनीवेज सबको आती होंगी लेकिन आई एम जस्ट शेयरिंग व्हाट आई एम गोइंग टू वेयर मेक फॉर इफ्तार इंशाल्लाह। So stay connected with me throughout the vlog and watch the video till the end. Aur uske baad let's meet at the end then. Allah Hafiz for now. Okay ji, ye Hyderabadi green dahi phulki hai jiske upar tadka bhi lagta hai. So iske andar maine 1.5 cups of yogurt liya hai, 3 to 4 maine green chilies liye hain, 1 bunch of coriander hai jisko roughly chop kiya hua hai, और मिंट लीव्स जो है वो मैंने अलग कर लिए हैं, अबाउट अ बंच ऑफ मिंट लीव्स है, बहुत छोटा सा बंच था। और सॉल्ट जो है वन अबाउट 1 टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया है। सो इसमें सबसे पहला जो स्टेप है वो है ब्लेंडिंग ऑल दीज थिंग्स टुगेदर टू मेक अ ग्रीन दही जो इसका होता है। और ये मैंने पहला वाला मेरा आधा खुला हुआ था तो वो हाफ़ है और ये फुल वाला है। और ये मैंने समझे कि 250 ग्राम्स ऑफ फुल्की के लिए इतना मैंने ये सब कुछ लिया है। ओके, नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू ऐड द ग्रीन चिलीज टू दिस मिक्सचर। दही में मैं डालूँगी ये ग्रीन चिलीज ऐड करके मैं कोरिएंडर डाल दूँगी इसके अंदर और वो जो मिंट लीव्स हैं वो डाल दूँगी। एंड देन आई एम जस्ट गोइंग टू ब्लेंड इट टुगेदर। इतना अच्छा ब्लेंड करना है कि ये बिल्कुल एक स्मूथ सी पेस्ट बन जाए, अलग अलग से लीव्स नहीं हो और कोई भी चीज़ अलग अलग से नहीं हो, बहुत अच्छा सा इसका पेस्ट बनेगा और बहुत स्मूथ होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए मैंने कोरिएंडर डाल दिया, अब मैं मिंट लीव्स डाल दूँगी। मैं आपको बहुत डिटेल में रेसिपीज बता रही हूँ, ऑल्दो इट्स वेरी डिफिकल्ट इन रमदान टू कोप विद शूटिंग दीज रेसिपीज एंड यू नो doing the ibadat which is the most important thing in Ramadan. Lekin ye hai ki please do like, share and subscribe to my channel if you haven't already done it. Aur ye aapki support bahut achhi lagti hai mujhe aur comments section mein jo aap comment karte hain mujhe bahut acha lagta hai and I personally reply to those comments as well. Ye 1 teaspoon maine salt add kar diya hai aur ab I'm just going to blend it. Bahut achhi tarike se main isko blend karungi. और ये जब ये अच्छी तरीके ये मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट भी डाला है। आप एक क्लोव ऑफ गार्लिक डाल सकते हैं अगर आपके पास फ्रेश है और उससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, बहुत ही मज़ेदार। सो अगर आपको गार्लिक नहीं पसंद है तो आप इस ऑप्शन को बिल्कुल क्विट भी कर सकते हैं, इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसको इसके अंदर एक जो वो स्पार्क सा आता है ना इस रेसिपी में वो इस गार्लिक से आता है। तो मैंने ये समझे 1 क्लोव की जितना मैंने इसके लिए अंदर पेस्ट डाल दिया है क्योंकि मेरे पास फ्रेश नहीं था, अदरवाइज आई वुड एडेड द फ्रेश वन इन दिस। अब ये देखिए इसका मैं स्मूथ सा पेस्ट बनाने के लिए इसको अच्छी तरह ब्लेंड कर लूँगी एंड देन आई एम गोइंग टू कीप इट ऑन द साइड एंड दूसरी स्टेप पर चले जाऊँगी फिर इंशाल्लाह। अच्छा, ये जो मैंने सर्विंग डिश है इसके नीचे थोड़ा सा मिल्क डाला है, बिल्कुल थिन सी लेयर एक मैंने डाली है मिल्क की। समझे कि 5 टेबल स्पून ऑफ मिल्क मैंने नीचे लगा दिया है। वो क्यों लगाया है आई विल गिव यू अ टिप। इतना अच्छा इसका ये टिप है क्योंकि बिकॉज ये जो फुल्की होती है ना वो फ़ौरन योगर्ट को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है लाइक अ स्पॉन्ज। तो अगर आपने पहले से ही इसके नीचे एक पतली सी लेयर बिल्कुल वो हार्डली वो इतना 4 to 5 टेबल स्पून से ज़्यादा नहीं है मिल्क वो डाल देंगे तो क्या होगा कि जब आप फुल्की ऐड करेंगे ना तो वो एकदम वो मिल्क जो नीचे से है वो सोक कर लेगा और जो आप ऊपर से योगर्ट डालेंगे ना
वो उसको कम्प्लीटली ड्राई नहीं करेगा और वो मॉइस्टेंड ही रहेगा थ्रू आउट, चाहे आपने कम डाला है ज़्यादा डाला है दही, तो वो उसका जो फ्लेवर्स हैं, जो उसका टेक्स्चर है, वो उसका ख़राब नहीं करेगा। सो दिस इज़ अ टिप फॉर यू, अगर आप लोगों को पहले से पता है तो गुड, लेकिन मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ मुझे टिप। अच्छा, अब मैं इसके ऊपर ये जो मिक्सचर मैंने बनाया है योगर्ट और सारे ग्रीन वेजिटेबल्स का, वो इसके ऊपर पोर कर दूँगी बहुत अच्छे तरीके से, ताकि हर जगह पर ये हो, कहीं से भी वो नहीं हो, क्योंकि ये जब डाल दूँगी तो उसके बाद भी ये खुद ही एडजस्ट हो जाएगा हर जगह से मैं, क्योंकि इसको लिफ्ट करके थोड़ा सा शेक करके इसको सेट कर लूँगी लेटर ऑन। और ये देखें इतना अच्छे से ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया है सारा मिक्सचर, और इतनी अच्छी ये वो है क्या कहते हैं इसको, सारा जो इंग्रेडिएंट्स है ना रियली वेल बैलेंस्ड है। अब यहाँ पर ये देखें, ये सॉल्ट है, चाट मसाला है और रेड चिली पाउडर है, और ये जो है ना इसको अब मैं तीनों को मिक्स कर रही हूँ। रेड चिली पाउडर जो है वो 1/4 teaspoon है, 1 tablespoon चाट मसाला है और 1/2 teaspoon जो है इसमें सॉल्ट है। सो ये तीनों चीज़ें मैंने होमोजीनियसली मिक्सअप करके इसके ऊपर अब मैं इसको स्प्रिंकल कर दूँगी, और ये इसका सेकेंड स्टेप यहाँ पर कंप्लीट होता है। नाउ वी विल मूव ऑन टू द थर्ड स्टेप विच इज़ द मोस्ट असेंशियल ऑफ दिस रेसिपी, बिकॉज उसके बगैर इस रेसिपी, ये रेसिपी कंप्लीट नहीं होती है, ना इसका फ्लेवर अच्छा आता है, ना इसके अंदर कोई आपको मतलब प्रॉपर जो चीज़ है वो इसी तरह से होगी। सो दिस इज़ द सेकेंड स्टेप कंप्लीट, यहाँ तक आपको होपफुली समझ आ गई है, बहुत ईजी है, नथिंग टू यू नो। अब ये है थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप में मैंने ये लिया है करी पत्ता, एक पूरा स्प्रिग लिया था मैंने, उसको मैंने आधा आधा करके काट के इसमें डाल दिया है, और डंडी के साथ, क्योंकि जो फ्लेवर होता है ना करी पत्ता का वो डंडी में होता है। और ये जो रेड होल चिली पेपर है ये मैंने लिए हैं 7-8 pieces लिए हैं, एंड 1 teaspoon ऑफ क्यूमिन सीड्स है, उसको मैं अच्छी तरह से ये पूरा कलर चेंज करूँगी इसका, मतलब मैंने पहले भी बताया था कि जो हैदराबादी खाने होते हैं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, वो जो तड़का होता है ना उसको अच्छी तरह से उसका कलर चेंज करते हैं, और वो उसकी स्मेल जो आती है और खाने के अंदर वो टेस्ट चेंज होता है उससे, वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। सो नाउ दिस स्टेप इज़ द मोस्ट असेंशियल, इसको देखिए मैं काफ़ी टाइम दे रही हूँ, ये इसका कलर चेंज करूँगी मैं अच्छी तरीके से, एंड देन अब मैं इसके ऊपर जो मेरा ये बना हुआ है पहले से थाई फुल्की हम बनाकर थर्ड स्टेप पे, इसके ऊपर तड़का मैं अब डाल दूँगी। ये देखें तड़का भी आप कोशिश करें हर जगह आ जाए, नहीं तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लें विद स्पून और लेडल, व्हाटएवर यू हैव इन योर हैंड। ये देखें इस तरह से, एंड देयर इज योर हैदराबादी ग्रीन दही फुल्की विद तड़का रेडी। आप ये ट्राई करके मुझे ज़रूर बताएं हाउ इट टर्न्ड आउट फॉर यू, एंड होपफुली आप लोगों को ये भी अच्छी लगी होगी। सो ये रैंडमली पकौड़ा फ्राई हो रहे थे तो वो भी मैंने सोचा एक क्लिप ऐड कर देती हूँ, ये मिक्स सब्जी वाला जो आलू प्याज हरी मिर्च धनिया वगैरह होता है ना उसका मिक्स पकौड़े होते हैं, और ये बड़े क्रिस्पी से अच्छे बन रहे होते हैं, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को ये भी शेयर कर देती हूँ। माई सेकेंड रेसिपी इज़ आलू खुलियाँ। अब आलू खुलियाँ जो कराची में रहते हैं उनको तो पता होगा कि ये क्या है, और ये तारीखों बहुत मतलब ये बहुत पॉपुलर है। ये मैं आपसे बनाना सिखा रही हूँ। यहाँ पर मैंने 2 lemons का स्क्वीज़ डाल दिया है, विच इज़ लाइक वो मैंने क्यूब्स में रखा हुआ है, इसलिए मैं आपको उतना बता रही हूँ। और ये जो मसालाज है इसके अंदर चाट मसाला 1 tablespoon है, 1 teaspoon ऑफ रेड चिली पाउडर है, 1 teaspoon ऑफ सॉल्ट है, और 1/2 teaspoon ऑफ टार्टरी पाउडर है, टार्टरी जो खट्टा वाला होता है ना पाउडर, वो वाइट वाला, वो भी वो इसके अंदर डाल दिया है मैंने लेमन के ऊपर। और अब मैं ये जो है इमली पल्प जो मैंने बना के रखा होता है इसके अंदर मैं यूजुअली जिंजर ड्राई जिंजर पाउडर डालती हूँ, वो इसके अंदर वो चिली फ्लेक्स होते हैं और क्यूमन पाउडर होता है, सॉल्ट होता है, तो इस तरह से इसको मैं साथ में पका लेती हूँ, और ये मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। इसमें कुछ मीठा नहीं है, इसमें सब खट्टा होना चाहिए, और ये स्पाइसी खट्टा अच्छा वाला खट्टा और अच्छा वाला स्पाइसी होना चाहिए। तो ये इसके अंदर ये देखिए मैंने मे बी 4-5
टेबलस्पून ऑफ इमली पाउडर डाल दिया है और अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। देखें अबाउट नॉट इवन अ क्वार्टर ऑफ ग्लास, उससे कम मैंने पानी इसमें ऐड किया है। और ये बहुत छोटा सा बोल है, ये बहुत बड़ा नहीं है, तो इसके अंदर आप समझे कि वो जो सर्विंग बोल होता है ना उसके जितना में ये सारा मिक्सचर है। और ये मैं अच्छे से विस्क कर लूँगी और आई सेट इट असाइड, क्योंकि अभी एक और बीच में स्टेप आएगा तो वो करके फिर उतने में ये लेमन भी मेल्ट हो जाएगा, सो वो हो जाएगा और ये ठंडा ठंडा सा इसके ऊपर पोर हो जाएगा। अब नाउ फॉर द थर्ड स्टेप आपको मैं बताती हूँ। ये देखें अभी आलू हैं, ये मैंने बॉईल करके रखे हुए हैं। जितना आप चना चाट के लिए आलू को बॉईल करते हैं ना, उतना आपने इसको बॉईल करना है, इसको मैश नहीं करने वाला बॉईल करना, इसको उससे पहले आपने निकाल देना है कि ये एडिबल हो, बॉइल्ड हो और ये कच्चा नहीं हो। अच्छा, अब मैं इसकी जो एंड्स और टॉप है वो छोटा सा जैसे लिड सा उतार लेंगे और उसके बाद इसको मैं ये छोटे वाले को तो मैं हाफ्स में कर लूँगी और जो बड़ा वाला है उसके मैंने 3 पीसेस काटे थे अलग अलग। अच्छा, अब ये है कि वी हैव टू मेक बोल्स आउट ऑफ इट, सो वील जस्ट स्क्वीज द मिडल ऑफ इट वेरी केयरफुली, वी डोंट वॉन्ट टू ब्रेक द पोटैटो साइड्स एजेस सारी देखते हुए। और ये जो मिडल पार्ट है इसको अच्छी तरह स्कूप आउट इस तरह करना है कि ये बोल फॉर्म करे, और क्योंकि इसके अंदर हमने चीज़ें डालनी है अभी तो वो ये देखें बहुत छोटे छोटे साइज़ के हैं, लेकिन ये देखें इतना आपने इसको बोल के फॉर्म में कर दिया है। तो इसी तरह मैं बाकी सब आलूज़ के साथ भी कर लूँगी स्कूप आउट उसको, कि ये देखें इतना मुशी मुशी पोटैटो नहीं है, लेकिन इट इज़ एडिबल, इट इज़ नॉट कच्चा एंड इट हैज़ टू बी इस जिस तरह से आपके चना चाट के लिए आप प्रिपेयर करते हैं ना आलू, उतने लेवल पर आपने इसको सिर्फ बॉईल करना है। और ये यहाँ से अब मैं इसको ये सारे बोल्स बना के इसके, तो अब नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द थर्ड स्टेप ऑफ दिस। अब ये देखिए मैंने सारे कर दिए हैं, अब इसके अंदर मैं जो बॉइल्ड चनाज हैं वो ऐड करूँगी। पहले तो मैं स्पून के साथ करूँगी फिर, लेकिन उसके बाद मैं सोचूँगी कि नहीं मैंने फिंगर्स हाथों से ही करना है, तो फिर आई एम गोइंग टू यूज़ माय हैंड्स एंड पोर दो स्टिक पीस ये इधर से। इसके अंदर मैं बस अभी चिक पीस ऐड करती जाऊँगी सबके अंदर, 6-7 तो चले गए थे एक, हालांकि इतने छोटे छोटे आलूज थे लेकिन अच्छे चले गए थे ये इसके अंदर चिक पीस। और ये जो है ये रेसिपी मेरे बेटे की फेवरेट है, तो बजाय कि वो बाहर से खाए पता नहीं कैसा पानी यूज़ होता है कैसे, लेकिन होता है तो वो बहुत मज़ेदार है। आपको पता है जितना ये वाली चीज़ें आप गंदी जगह से खाएँ उतना मज़ा आता है, लेकिन ये फिर आप देखेंगे ये है, ये चना ऐड हो गए। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे, मैं थोड़े से बीच में वैसे ही यू नो फॉर द गार्निश चिक पीस डाल रही हूँ, आप डालें नहीं डालें आपकी मर्जी है। ओके, नाउ ये जो मैंने इमली पॉप का जो पूरा मिक्सचर बनाया था वो एक एक बोल पोटैटो बोल के अंदर डालती जाऊँगी, और वो बेशक बाहर आ जाए कोई मसला नहीं है, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू ईट इट यू नो द होल बोल एक बाइट में तो नहीं लेंगे, लेकिन होते ही बाइट साइज ही हैं, खाने वाले खा भी सकते हैं, मैं आधा तोड़ के ही खाती हूँ, लेकिन इट्स ईजली यू नो यू कैन हैव इट एज वन बाइट एज वेल। तो यहाँ पर ये सफिशेंट अमाउंट ऑफ पल्प जो है मैं इनके अंदर डालकर, और थोड़ा सा मैंने बाहर भी इसके बीच के अंदर भी डाल दिया है। नाउ फॉर द फोर्थ स्टेप, ये चाट मसाला इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूँगी मैं, क्योंकि ये जितना स्पाइसी जितना सार होगा उतना ही ये मज़ेदार होता है, और इसके साथ आपको पानी तो बहुत ज़्यादा पीना पड़ेगा। ओके, नाउ द कोरिएंडर, चॉप्ड कोरिएंडर मैं गार्निश के लिए इसके ऊपर ऐसे स्प्रिंकल करती है, बस दिस इज़ इट। इट इज़ सच अ सिंपल येट सच मैं कहती हूँ स्पाइसी और चटपटा एंड यू नो फ्लेवरफुल, कि मुझे अभी भी पानी आ रहा है मेरे मुंह में ये बोलते हुए सब कुछ। सो डेफिनेटली ट्राई करें इसको, और चाट मसाला आपका जितना अच्छा होगा इसके अंदर वो जितना ज़्यादा स्पाइसी और जितना ज़्यादा खट्टा सा होएगा ना उतना अच्छा होता है। सो ये इसको आप जितना ज़्यादा स्पाइस लेवल इसके ऊपर ज़्यादा रखें फिर आपको बहुत मज़ा आएगा। सो दिस वॉज माई इफ्तार टुडे, चाट अलग से भी बनी थी, ये कुलियाँ बनी हैं, दही फुल्की हैदराबादी स्टाइल बनी है,
एंड पकौड़े थोड़े से मिक्स वाले बन गए थे. तो दिस वॉज माई इफ्तार फॉर द डे. अब आखिरी आखिरी रोज़े हैं तो मेरा दिल कर रहा है कि अब हम अच्छी तरह से इफ्तार बना कर खाएँ. ओके जी, सो आज का ब्लॉग आपको जैसा लगा है मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी डन इट. और इंशाल्लाह कल रमदान 23rd डे को मिलेंगे. आई एम साइनिंग ऑफ फॉर टुडे. अल्लाह हाफिज़.